बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ उन सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक जल्ला जलालहू सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और सबकी गैबाना मदद अता फरमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। जी तो डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा के हवाले से बनाई जा रही है। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने एमए एमएससी पार्ट वन पार्ट टू या कंपोजिट्स के पेपर दिए हैं, तमाम लोग वेट कर रही हैं कि उनका रिज़ल्ट जो है कब आ रहा है। क्या 10 जून को रिज़ल्ट आ रहा है या फिर 10 जून को रिज़ल्ट नहीं आ रहा। आज की वीडियो के अंदर जो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा से रब्ता किया गया वो कॉल आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले हमारी रिक्वेस्ट है, जो लोग इस चैनल पे नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस तरह की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है 24 मई 2024 बरोज़ जुमातुल मुबारक को जब यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा से रब्ता किया गया, तो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा वालों का ये कहना था कि आप लोगों का जो रिज़ल्ट है 10 जून 2024 को जो है अनाउंस कर दिया जाएगा। लेकिन आज 7 जून 2024 को जब दोबारा रब्ता किया गया और रिज़ल्ट के मुतालिक पूछा गया, तो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा ने 10 जून के बजाय नेक्स्ट एक और डेट सुना दी। किस डेट को रिज़ल्ट आ रहा है, आप लोग खुद वो कॉल सुन लें। सर, सरगोधा यूनिवर्सिटी से बात कर रहे हैं? सर, एमए एमएससी के रिजल्ट्स के अबाउट पूछना चाह रहा था कि एमए एमएससी का रिजल्ट कब आ रहा है सर जी? 15 जून तक इंशाल्लाह। 15 जून को सर कंफर्म है? जी। सर पहले इस्लामियात या किसी और सब्जेक्ट का सर जी? 15 जून से रिजल्ट आना स्टार्ट होंगे। सर बहुत मेहरबान, सर बहुत मेहरबान। अस्सलाम वालेकुम। जी तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों ने कल समाप्त फरमाई, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा का ये कहना है कि 15 जून 2024 को जो है आप लोगों का रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। 15 जून 2024 से आप लोगों के रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे और 25 जून 2024 तक जो है तमाम सब्जेक्ट के इंशाल्लाह अजीज रिजल्ट अनाउंस कर दिए जाएंगे। पहले उन सब्जेक्ट्स के रिजल्ट्स आएंगे जिनमें तादाद कम होगी, और जिन सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट्स की तादाद ज़्यादा होती है, लाइक एज इस्लामियात हो गया, पाक स्टडी, उर्दू, इन सब्जेक्ट्स के रिजल्ट्स जो है वो कुछ देर से अनाउंस किए जाएंगे। बहुत सारे ऐसे दोस्त अहबाब हैं जो नीचे कमेंट्स के अंदर जो है गालियाँ लिख रही होती हैं, बुरा भला कह रही हो, तो उन सब दोस्तों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से क्यों रब्ता नहीं करते। आप लोग डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से रब्ता करें और यूनिवर्सिटी वालों से पूछें कि भाई तारीख पे तारीख क्यों दे रहे, रिजल्ट क्यों नहीं अनाउंस किया जा रहा। जो गुस्सा आप लोगों ने निकालना होता है मेरा भाई, आप यूनिवर्सिटी वालों पे निकाला करें। इस चैनल पे अल्हम्दुलिल्लाह एथेंटिक न्यूज़ दी जाती है, झूठ नहीं बोला जाता, कोई फेक न्यूज़ नहीं दी जाती। जिन दोस्त अहबाब को एतबार नहीं है वो लोग जो है, ये नंबर आप लोगों को स्क्रीन पर दे दिए गए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा के, ये नंबर से इनका स्क्रीन शॉट लें और डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से रब्ता कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा वालों से पूछें कि भाई आप लोग जो है अभी तक रिजल्ट नहीं दे रहे, पंजाबी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आ गया, बहाउद्दीन ज़िकरी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आ गया, लेकिन बाकी तमाम यूनिवर्सिटियों का रिजल्ट आ चुका है, तो आप लोग जो है रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे। जो आप लोगों ने बुरा भला कहना है डायरेक्ट यूनिवर्सिटी वालों को कहें। मेरी अदना सी कोशिश होती है कि मैं जो भी कोई वीडियो बनाता हूँ उस पर जो नोटिफिकेशन होता है वो जब तक मुकम्मल तौर पर मैं सर्च ना कर लूँ तब तक मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाता। बाकी अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम दोस्त अहबाब को दीन दुनिया और आखरत में कामयाबी और कामरानी से नवाजे, आमीन या रब्बिल आलमीन। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर अपडेट अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी मुलाकात। अपना रखें ढेर सारा ख्याल। फ़ी अमानिल्लाह।